ओम यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 20। ओम वहे वपाम जात वेदा प्रथे पितृभ्यो ओम वहे वपाम जात वेदा पितृभ्यो यत्र एनान वेथे निहितानि पराके जातवेद वेद को उत्पन्न करने वाला यही कर्ता कारक एक वचन में है। वह वहन करे वपाम वपा को, वह वपाम वपा को वहन करें जात वेदाह, जात वेद वेद को उत्पन्न करने वाला वपा को वहन करे। वपा क्या है? भावार्थ में दिया है वप धातु का अर्थ बीज बोना है, अतः वपा का अर्थ बीज वपन अथवा कृषि कर्म। पितृभ्यो कहा है पितरों के लिए, वह वपाम जात वेदा पितृभ्यो पितरों के लिए वपा का वहन करें। तो कह रहे हैं कि विद्वान पितरों पूर्वजों अग्रजों के लिए कृषि का वहन करो। ये कृषि कर्म हम सबको अपनाना है पितरों के लिए। अब ये समझना पड़ेगा, एक तो शाब्दिक अर्थ हम ग्रहण करते हैं, ये तो ठीक बात करना ही चाहिए, बिल्कुल शाब्दिक अर्थ वेद का करना होगा, धातु अर्थ करना होगा जिससे अनर्थ ना हो। फिर भी खुले मन से, वेद काव्य है, उत्तम काव्य है, और काव्य की भावना का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। कह रहे हैं पितरों के लिए वपाम वपन का वहन करो। तो यदि कोई ये कहे भाई बपन, जैसा कि हमने कहा भाई कृषि कर्म बीज बोने का इस परंपरा का वहन करो, पितरों ने जो बीज बोया है उस बीज को आगे भी बोते सींचते रहो। हमारे पितरों ने जो ये वेद विद्या वैदिक संस्कृति का बीज बोया है, हमारा दायित्व तो है कि इस वपा कर्म का, उनके इस वपन का हम सम्मान करें, उसका वहन करें, उसे आगे ले जाएं। वहन करने का ले जाना, आगे बढ़ाना, आगे ले जाना ही है। तो पितरों के लिए हमें क्या करना है? वे हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया, आज हमको धर्म संस्कृत विकसित समाज मिला, उनके तप के कारण, उनके परिश्रम के कारण। आप व्यवहारिक रूप से देख लें, हमारे आपके दादाजी परदादाजी, जहां तक हमारी जानकारी हो, जिनको हमने देखा हो, सामंता दादाजी को तो अधिकांश लोगों ने देखा है, कुछ लोगों को सौभाग्य मिला होगा कि दादाजी के पहले की पीढ़ी, परदादाजी परदादी जी को भी देखने का सौभाग्य कुछ लोगों को मिला होगा। वो लोग कैसी स्थिति में रहते थे, उनके घर साधन सुविधाएं किस स्तर की थी, उन्होंने उस स्थिति में परिश्रम करके जो कुछ हमारे लिए छोड़ा, आज हम इतने सुविधापूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने बोया उसी का फल तो हम खा रहे हैं। तो जो उन्होंने दायित्व सौंपे हैं, जब इतनी सुविधाएं नहीं थी तब तो हमारे पूर्वजों ने इतने विद्या का आविष्कार विस्तार किया, जब लिखने के साधन नहीं थे तो बोल बोल कर इतने विशाल वैदिक साहित्य का संरक्षण किया, सुन सुनकर सीखा और बोल बोल कर सिखाया। आज इतनी सुविधाओं में भी हम लोग वेद का प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे। तो ये मंत्र हमको
आह्वान कर रहा है वह वपाम जात वेदा प्रतिभ्यो, कह रहे हैं कि भाई हम लोग भी तो जात वेद हैं, उन्हीं पितरों के वंशज हैं जो जात वेद थे, जिन्होंने वेद को उत्पन्न किया, वेद का बीज बोया समाज में। तो हमारा ये दायित्व तो है कि उन पितरों के लिए इस जात वेद को, उनके द्वारा उत्पन्न इस वेद को, उसके इस वपन कर्म को, उनके इस बीज बोने को, कृषि कर्म को वह वहन करें, इसका वहन करते रहो, इसको बोते रहो, सींचते रहो, पुष्पित पर्वत होता रहे, आगे बढ़ता रहे। उनके इस कर्म को, उनके दिए हुए इस दायित्व का हम सब वहन करें। पहला ही शब्द है वह, कृपया वहन करें। यत्र एनान वेत निहितानि पराके, यत्र जहां एनान इनको वेत जानते हो, विद धातु से ही ये वेत बना है, वेद में बना है, इसका अर्थ है वेत का अर्थ जानू, विद धातु से वेत इसका अर्थ हो गया जानू। अब हमसे कोई सूत्र न पूछे किस सूत्र से इसका अर्थ हुआ जानो, मैं कह रहा हूं इसका अर्थ जानो है तो है, विद धातु है तो है। वैदिक भाषा जब आपकी अपनी हो जाएगी तो फिर आपको उन सूत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम जो कह रहे हैं वो है, और सारे व्याकरणाचार अपने सारे सूत्र लगाकर तय कर लें इसका ये अर्थ नहीं होगा तो फिर क्या होगा। विद धातु से वैदिक रूप ही सही बना वेत अर्थात जानू। यत्र एनान वेत, जहां इनको हम जानते हैं, निहितान पराके, निहितान अर्थात निहितों को, इनके जो निहित हैं, निहितार्थ हैं, हमारे पूर्वजों ने जो ये बीज बोए हैं उनके जो निहितार्थ हैं, उन्हें हम जहां जानते हैं, पराके अर्थात दूर, दूर दूर तक, जहां तक उन्होंने इस संस्कृत संस्कार के बीज की सुगंध फैलाई है, उन्होंने जो ये बीज बोया है उसका लाभ जहां जहां तक पहुंचा है, दूर दूर तक। यत्र एनान वेत निहितान पराके, जहां जहां तक, दूर दूर तक इसके निहितार्थ को जानते हो, तो मेदसा कुल्या उपतान श्रवंतु, मेदसा अर्थात मेद की, मेदा की। अब मेद क्या है, इसमें मिद धातु होनी चाहिए, है ना, और मिद धातु का क्या अर्थ हुआ, इसी मिद धातु से मित्र शब्द बनता है जी। मिद धातु का अर्थ हुआ स्नेह होना, प्रीति करना, मित्र होना कह लीजिए, क्योंकि इसी मिद धातु से ही मित्र बनता है। अब कहा मेदसा, मेदा का अर्थ क्या हुआ, मित्र ही हुआ, कुछ और नहीं हो सकता। मिद धातु से ही मित्र शब्द जब बन सकता है तो मिद धातु से मेदा, जैसे रम धातु से रामा, मन धातु से मना, मनस बनता है, वैसे ये बना मिद धातु से मेदा, अर्थात मित्र या मैत्री कह सकते हैं। तो मित्रता का या मित्र का मेदसा कुल्या, मेदसा तो हो गया, कुल्या भी समझना पड़ेगा। ये कुल्या क्या है, कुल धातु है, कुल का क्या अर्थ है, कुल का अर्थ हम सब जानते हैं, हम सब का कुल है, ये किस कुल के हैं, वे रघुकुल के हैं, वे यद कुल के हैं। तो कुल का क्या अर्थ हुआ,
कुल का शाब्दिक अर्थ समझ लें, आनंद आएगा। कुल धातु का अर्थ है एकत्र करना, साथ रहना और गिनना गणना करना भी। ध्यान दीजिए, कुल धातु का अर्थ हुआ एकत्र करना, साथ रहना। हम सब लोग जो एकत्र होकर साथ रहते हैं वो हमारा कुल है। कहते हैं कि कभी कोई अचानक आवश्यकता पड़ेगी तो पड़ोसी ही साथ देगा। जो हमारे परिवार के कथित रूप से हमारे सगे संबंधी, हमारा सगा भाई हो सकता है विदेश में हो, उस तक सूचना देना भी व्यवहारिक नहीं होगा। क्या लाभ है, आ भी नहीं पाएगा, संभव ही नहीं होगा। चाहे तो भी बहुधा लोग चाह कर भी नहीं आ पाते। जो हमारा पड़ोसी है, अचानक कोई आवश्यकता पड़ेगी, कोई सुख दुख होगा तो वही हमारे साथ होगा। कुल उसी को कहते हैं जो एकत्र होकर एक साथ रहते हैं, कुल उन्हीं का नाम। उस कुल का कोई अर्थ नहीं है कि हम एक वंश परंपरा में हैं, हम सबके दादाजी, परदादाजी, उनके पहले के दादाजी मान लीजिए एक ही थे, किसी एक पूर्वज के वंशज हम सब लोग हैं और आज कौन कहाँ रह रहा है जानकारी तक नहीं है, नहीं होती है, हमको भी नहीं है। तो उसको किसी अर्थ में कोई चाहे भावनात्मक रूप से कहते हैं, हाँ भाई अपने ही कुल के हैं, अपने ही परिवार के हैं, जब कभी वर्षों के पश्चात कोई चर्चा होगी, कोई बात होगी, हाँ हाँ है तो अपने ही कुल के। वास्तविक कुल कौन है जो हमारे साथ एकत्र हैं, साथ में रहते हैं, सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं, वही हमारा कुल है। कुल का शाब्दिक अर्थ है, कुल धातु का अर्थ है एकत्र होना, साथ रहना। कुल्या, अब समझिए कुल्या क्या है। कुल धातु से बना कुल्य और कुल्या, अर्थात साथ रहने योग्य, एकत्र करने योग्य, जो इस योग्य हैं कि उन्हें साथ रखा जाए, उन्हें एकत्र किया जाए, संगठन बनाया जाए। हम सब वेद चर्चा कर रहे हैं, ऐसा हुआ तो नहीं है, फिर भी कहीं एक आध व्यक्ति के साथ आपको अनुभव हुआ कि जो अवैतिक है, वेद विरोधी ही है, उसको साथ में जोड़ने से क्या लाभ, वह केवल विघ्न ही उत्पन्न करेगा। प्रश्न का तो हम लोग स्वागत करते हैं भाई, कठिन से कठिन, जटिल से जटिल प्रश्न लाए, हम उसका स्पष्ट उत्तर देने का प्रयास करेंगे, अपने विचार जो भी होंगे व्यक्त करेंगे। आप सहमत हो असहमत हो अलग बात है, अब किसी का उद्देश्य केवल वेद कार्य में बाधा डालना ही है, उसको यही अच्छा नहीं लग रहा है कि आप वेद की बात कर रहे हैं, भाई वेद की बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए उसे केवल विघ्न डालने वाली बातें ही करनी है, तब आप क्या करेंगे, कहेंगे नहीं भाई हमारे कुल के योग्य नहीं है, ये हमारे लिए कुल्य नहीं है, ये हमारे कुल्या में नहीं आ सकते, अलग करो भाई, इनसे दूर रहो, वे हमारे कुल के योग्य नहीं है, वे हमारे लिए कुल्य नहीं है, कुल्या नहीं है। तो जो कुल्य है, एकत्र करने योग्य, साथ रहने योग्य है, कहा है मेदसा उनके मित्रता का उपतान श्रवंतु, तान अर्थात उनको, जो मित्रों के साथ रहने योग्य है, मेदसा कुल्या, जो मित्रता से साथ रहने योग्य हैं, करे तान उनको उपश्रवंतु, उनका उपश्रवण है। उपसमीप श्रुधातु का अर्थ है श्रावित होना, टपकना, झरना, बरसना कह लीजिए, जो भाव है श्रु धातु है, इससे कहते हैं, इसी से शब्द बनता है स्रोत, श्रु धातु से स्रोत, जहां से वो जलधारा प्रस्फुटित, कह
कहते हैं स्रोत, ये प्रवाह किस स्रोत से आ रहा है? तो वो कह रहे हैं उपस्रवंत, उसके समीप वह स्रवित तो हो, वहां से वो धार प्रवाहित तो हो, यह आवश्यक है। स्रवंतु में यहां श्री धातु गति करने के अर्थ में लिखी है, हो सकती है श्रु धातु भी उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है मुझे प्रतीत हुआ तभी आपको बताया। इसमें अभी देखा कि इसमें श्री सरकना जैसे हम लोग बोल देते हैं गति करना, वह भी है। उपस्रवंत का अर्थ उसके समीप चलें या उपश्रवण करें, जो कुछ भी अभी कहा गया है उस संस्कृत के प्रवाह को हम उसके समीप प्रवाहित करें, ये अधिक उपयुक्त है। जो हमारे मित्र हैं, साथ रहने योग्य हैं, उनके समीप इस धारा को हम प्रवाहित करें। सत्या एसाम आशिषा सम नमन्ताम, सत्या सत्य है क्या, एसाम इनका आशिषा आशीष आशीर्वाद, इनके आशीर्वाद सत्य होते हैं। ये जो हमारे पितर हैं जिनके लिए कहा गया है इस मंत्र में पितृभ्यो, पितरों के लिए, उन्होंने जो बीज बोया है जब उसको हम सींचते रहेंगे, वह उसका वहन करते रहेंगे, जो हमारे साथ रहने योग्य है उस संस्कृत को आगे बढ़ाने में सहयोगी हैं, उनके निकट उस धारा को उपस्रवित करते रहेंगे, प्रवाहित करते रहेंगे, कहते हैं उनके आशीष उनके आशीर्वाद सत्य होंगे, फलीभूत होंगे। सम नमनताम, तो क्या करें, सम सम्यक रूप से नमनताम, नमन करें उनको, हम नमन करें जो हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने जो संस्कृत का बीज बोया है उस धारा को हम अच्छे लोगों के समीप प्रवाहित करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, इससे उनके आशीर्वाद हमारे लिए फलीभूत होंगे, सत्य होंगे। ये उत्तम संदेश भावना इस मंत्र से हम लोग ग्रहण करते हैं। ओम खं ब्रह्म। जी, किसी का कोई प्रश्न आदि हो, कोई विचार रख सकते हैं, या फिर हम लोग समापन करेंगे। आठवां नियम गुरु जी, इसको एक थोड़ा समझा दीजिए। भाव वाच्य क्रिया अन्य पुरुष एक वचन में होती है, अन्य पुरुष किससे संबंधित है ये नहीं समझ पा रही हूँ। जहां तक किसी अन्य की बात होती है तो वहां अन्य पुरुष होता है, तो उसी के संदर्भ में ये कहा गया है। जी, हम बता रहे हैं क्रियाओं के जो भी रूप बनते हैं, आप देखते हैं कि तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, अन्य पुरुष, मध्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तीन वचनों में होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस प्रकार के नौ आख्यातिक विभक्तियां होती हैं, नौ रूप धातु के बनते हैं किसी एक लकार में। तो यहां पर बताया कि नौ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अन्य पुरुष एक वचन में ही होगा। जैसे पढ़त पढ़ता पठंत आदि आपने नौ रूप बनाए, तो जो पहले पढ़ा पठत ये अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष वो जो हम बोल रहे हैं, जो कहने वाला है वो उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और अन्य सभी अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष
पहले आता है तो जो पठत की क्रिया है, पठते उससे आत्मनेपद का रूप बना और भाववाच कर्मवाच में पठ्यते बना, ये समझ लीजिए। तो वो बताया कि पठ्यते का ही प्रयोग हो रहा है भाववाच्य में, उसमें अन्य किसी का प्रयोग नहीं हो रहा, तो नव की आपको आवश्यकता ही नहीं है, केवल एक यते से ही कार्य हो जाएगा, हर धातु में केवल यही होगा। जैसे कहते हैं बालकेन अनभूयते, बस यते लगा, भू में यते लग गया और हो गया काम। लिख्यते पठ्यते गम्यते, अन्य कोई भी रूप आपको द्विवचन बहुवचन या मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, किसी और को कुछ कहना हो तो बताएं या फिर समापन किया जाए। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ पर जो शब्द आया हुआ आशीष, तो आस इस भी कर सकते हैं कि इसको, इस मतलब जो इच्छाएं कामनाएं हैं उसके लिए कि उनकी उत्तम इच्छाओं को हम जो है नमन करें। इसमें इच्छा कहाँ से आ गया? इच्छा तो कहीं हमको दिख नहीं रहा है, ये आशीष वही हमको तो लग रहा है। और आशीष है ना, तो आस और इस है। हाँ, अब ये आ तो उपसर्ग है, शिष्य ही धातु है, जो कुछ भी है। हाँ, तो हमको तो यही लग रहा है, देख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना, इतना तो हम लोग मानकर चलते हैं कि अर्थ और भी हो सकते हैं जो उपयुक्त तो हों, कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमको तो लगा कि यही ठीक है। जी नमस्ते, ठीक है ना? हमने आशीषा इनके आशीष तो स्पष्ट रूप से अर्थ हो गया, तो हमने कह दिया। जी जी कुछ कहना किसी को या फिर समापन करें? ठीक है, आज के इस वेद कक्षा सत्र का समापन करते हैं। कल सायंकाल इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।